नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये इस समय चार धाम यात्रा क्या जुलाई अगस्त में की जा सकती है और कितना खर्चा आएगा और क्या क्या सुविधा मिलती है इस समय जून जुलाई में यात्रा करने में, तो इससे संबंधित है और पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको कि क्या इस समय यात्रा करना सही रहेगा, क्या यात्रा करना सेफ है और कितना जो है बजट रहता है इस समय यात्रा करने के लिए यात्री का। तो इस तरह की पूरी जानकारी आज मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। हम ऐसी ही यात्रा संबंधित ब्लॉग्स अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं डिवाइन स्टोरी पर। 30 जून को हम पहुँचने वाले हैं बाबा अमरनाथ धाम यात्रा में और पहला जत्था जाएगा पहलगाँव से, 30 जून को रवाना होने वाला है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो उसमें हमें पास मिल चुका है और हम पहली यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा करने का सौभाग्य इस साल हम लोगों को मिला है। तो पिछले 3 साल से अमरनाथ यात्रा रुकी हुई थी, कोई भी भक्त जो है दर्शन नहीं कर पा रहा था। तो इस साल बड़े अच्छे से अमरनाथ जी के भी दर्शन होंगे और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा तो इस समय पर चल ही रही है। तो इसी के लिए मैं जानकारी के लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि जून जुलाई में जो है केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा करना, चारधाम यात्रा करना कितना सेफ है। तो दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बजट की बात कर लेते हैं। तो इस समय जो है बजट में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिए, एक तो सबसे जो खास बात है, इस समय यात्रियों की संख्या कम होती है, भीड़ बहुत कम देखने को आपको मिलेगी और भीड़ कम होने की वजह से यहाँ हर चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। रहना खाना हर चीज़ आपको बजट में या कम खर्च में आपको इस समय पर मिल जाती है। करीबन एक यात्री जो है सोलो ट्रैवलर 6-7 हज़ार रुपये के अंदर अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकता है जून और जुलाई के अंदर। और जून जुलाई में बारिशों का सीजन रहता है, बारिश से हिमालय में काफ़ी रहती हैं और दोस्तों उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं। जब भी बारिशें होती हैं तो पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इसलिए अगर आप जून जुलाई में यात्रा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप यात्रा कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको रुकने के निर्देश दिए जाते हैं यात्रा के दौरान, वहाँ पे रुकिएगा और इस तरह से पूरी जो है गवर्नमेंट की अनुसार आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा बड़ी सेफ और आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे। इस समय दोस्तों बसें कम चलती हैं, जो है यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से बसों की संख्या यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कम कर दी जाती है। ऑनलाइन बुकिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है और डेली की 2 से 3 बसें अभी भी यात्रा के लिए चलाई जा रही हैं। और यहां से आप शेयरिंग टैक्सी से भी यात्रा कर सकते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जो मेन पड़ाव वो आपका उत्तरकाशी है और केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपका इसके लिए मेन पड़ाव जो है वो रुद्रप्रयाग है। यहाँ तक आप पहुँच के उससे आगे की शेयरिंग टैक्सी अलग से लेकर भी आप यात्रा में पहुँच सकते हैं। ऑनलाइन किराए की अगर हम बात कर लेते तो इस साल केदारनाथ बद्रीनाथ का जो किराया है वो 900 रुपये बद्रीनाथ और 800 रुपये सोनप्रयाग तक का बस में किराया लग रहा है। और रश जब ज़्यादा था तो बसें आपको सीतापुर तक छोड़ती थी, लेकिन अब बसें जो है वो सीधे सोनप्रयाग तक जाना स्टार्ट हो गई है और सोनप्रयाग तक आप बस में जा सकते हैं और वहाँ अपने रूम बुक कर सकते हैं। रूम ऑनलाइन बुकिंग भी आप करा सकते हैं और जो भी भक्त इस समय चाहता है कम बजट में यात्रा करना तो उनके लिए सबसे अच्छा समय रहता है। जहाँ बारिशें हों वहाँ रुक जाइएगा। गवर्नमेंट जो है काफ़ी फोर्स इस समय डिप्लॉय कर देती है यात्रा ट्रैक पे और अन्य जो पड़ाव रहते हैं जैसे कि जोशी मठ, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, ऐसे अनेक पॉइंट्स पे जो है प्रशासन की तरफ से फोर्स लगा दी जाती है, NDRF फोर्सेस लगा दी जाती हैं। जो अगर रास्ते में किसी भी तरीके की असुविधा यात्री को होती तो वो हर संभव जो मदद यात्रियों तक पहुँचा देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स खाली पड़े हैं जिसकी वजह से यात्री अपना आसानी से रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं और अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा इस समय आपके लिए क्या क्या चीज़ यात्रा में लेकर जानी जरूरी है और जो है आप आसानी से यात्रा कर पाएँ। देखिए, इस समय आपके पास रेनकोट और छतरी होना सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसके अलावा आपके पास कपड़े चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा रहने चाहिए क्योंकि बारिश के कारण आपके कपड़े गीले हो सकते हैं और उनको चेंज करने के लिए आपके पास दूसरे कपड़े होने ज़रूरी रहते हैं। रेनकोट सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बारिश आपको परमानेंट मिलने वाली है तो वहाँ बारिश के दौरान आप कपड़े ना आपके भीगे, इसलिए रेनकोट
आपके लिए सबसे जरूरी रहता है, और साथ में छतरी भी आप रख सकते हैं। जो आपका बैग है वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए, या आप उसको किसी पॉलिथीन या किसी ऐसे चीज़ से ढक सकते हैं ताकि आप जो है बारिश में आपके जो सामान है वो गीला ना हो। और इस तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं। बसें और छोटी सी रिंग टैक्सियाँ इस समय चलती हैं, रूम्स भी मिलते हैं, सब चीज़ें इस समय पर हर तरह की सुविधा यात्रियों को देखने को मिलती है, और भीड़ बहुत कम रहती है। मंदिर में भी बड़ी आसानी से इस समय पर दर्शन किए जा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।